कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की चुनाव आयोग से अनोखी मांग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने नाम के आगे चौकीदार लिखने के बाद से ही भाजपा चौकीदार शब्द को अपना चुनावी एजेंडा बनाकर चल रही है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तो चुनाव आयोग से इसके लिए अनोखी मांग कर डाली। विज ने कहा कि चुनाव आयोग नॉमिनेशन फॉर्म में मैं भी चौकीदार का कालम रखे। साथ ही विज ने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का प्रतिनिधि चौकीदार ही होता है। देखिए, वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग को जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें मैं भी चौकीदार का कॉलम बनाना चाहिए, क्योंकि चाहे राज्यसभा में चुन के जा रहे हैं, चाहे लोकसभा में चुन के जा रहे हैं, चाहे विधानसभा में चुन के जा रहे हैं, चाहे कमेटियों में चुन के जा रहे हैं, नगर कमेटियों में, चाहे पंच सरपंच चुन के जा रहे हैं, इनका मुख्य काम तो चौकीदारी है। और अगर कोई अपने आप को चौकीदार नहीं कहना चाहता तो उसको चुनने का भी अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए उसके चुने जाने का भी। तो ये जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो तो होता ही चौकीदार है। वही अनिल विज के बयान पर बीजेपी के बागी सांसद राजकुमार सैनी ने जमकर निशाना साधा। देखिए, अनिल विज जब देश के अंदर गुंडागर्दी हो रही थी, आगजनी हो रही थी, मुझे तो पता नहीं लगा चौकीदार उस वक्त राखी करने से और चौकीदारी करने से, जब लोगों के घर फूके जा रहे थे, ये सारे चौकीदार थे कहाँ? चौकीदारों की ड्यूटी है माल लूटने के वक्त, चौकीदारी की ड्यूटी होती है। ये चौकीदार थे कहाँ जब पूरे प्रदेश के अंदर तांडव हो रहा था, आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, दुकानें जलाई जा रही थी, लोगों का मर्डर हो रहे थे, चौकीदार कहाँ थे? चौकीदार जो है ना, चौकीदारी की तनख्वाह अपने घर में बैठ करके ले ले और बाकी बाहर माल लूटने के लिए लोगों के लिए छोड़ दें।